जी ब्लॉग्स और आज हम आए हैं एक और पार्क, क्योंकि ये हमारे घर से थोड़ा दूर है तो हम बाय बस आए हैं और हमें यहाँ आने में ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लगे हैं और मतलब पैदल हम नहीं आ सकते थे। जनरली हम जो घर के आसपास के पार्क हैं पैदल जाके कवर करते हैं और घर से काफ़ी लेट निकले हैं। हम घर से ही 7 बजे निकले हैं तो हम यहाँ आए हैं ऑलमोस्ट 7:45। तो आज ना मैं आपको यहाँ का सनसेट दिखाने की कोशिश करूँगी। काफ़ी लेट होता है, अगर सनसेट नहीं दिखा पाई उतना लंबे टाइम तक अगर हम पार्क में नहीं रुके तो मैं आपको ना आप यहाँ 8:30-9 बजे की धूप दिखाऊंगी। आप रोशनी देखो कि यहाँ सनसेट कितना लेट होता है। तो अभी देखो, अभी हम आए हैं विक्टोरिया पार्क, तो काफ़ी अच्छा सा पार्क है ये। और मैं सच बताऊँ तो आजकल मैं सारी रेटिंग एंड रिव्यू चेक करके आती हूँ, गूगल पे चेक करके आई थी मैं, और मुझे पता चला कि यहाँ स्वान है और पॉन्ड है, फ्लावर बेड है और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो मैं जाती हूँ अंदर, एक्सप्लोर करती हूँ, आप भी मेरे साथ देखो कैसा है ये पार्क। ये देखो, हर तरफ से पहाड़ काट काट कर रास्ता बनाया गया है। यस, तो इधर हर तरफ पहाड़ी पहाड़ काट के ये रास्ता बनाया गया। इधर देखो, इधर देखो, और ये भी एक रूट है ऊपर जाने का, बट अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम ये वाला जो रूट है ये एक्सप्लोर करेंगे। और इधर तो यार ज़्यादा ही खौफनाक लग रहा है मुझे, एंड अभी मैं विशाल को फॉलो करती हुई जा रही हूँ। ये था पूरा रूट जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। हैं बहुत सारे और ग्रीनरी तो यार इतनी ज़्यादा है ना, मतलब बताया नहीं जा सकता। इधर भी देखो, ये पूरा पहाड़ को काट के बनाया हुआ है और ये थोड़ा सा एक प्लेन सरफेस है, और जिस रूट से हम आए थे वो भी पूरा पहाड़ काट के बनाया हुआ था। ये रूट भी कुछ वैसा सा ही लग रहा है और मुझे लग नहीं रहा कि हमारे यहाँ हमारे अलावा ना यहाँ कोई भी है। और एक्सप्लोर करते हैं, इधर का रास्ता दिखाती हूँ। इधर भी देखो, पूरा ना मतलब एकदम पहाड़ काट के बनाया हुआ है, और इसके साथ ही एक और रूट है। और ये भी देखो कितना खुफिया सा लग रहा है, ये एकदम स्टेप्स जा रहे हैं ऊपर और कहीं ना कहीं ये मिलते होंगे, बट अभी हम स्टेप्स से नहीं जाते, हम सीधा चलते हैं और एक प्लेन रूट लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज हम शाम में निकले हैं और हमें टाइम से घर भी जाना है और इस पार्क में हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो अगर हम खो गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ के यार सारे पार्क मुझे देख के ऐसा लग रहा है ना, अगर नहीं याद रखा तो 100% चांसेस हैं कि आप खो जाओगे। तो अभी चलते हैं सीधे और देखते हैं कि यहाँ और क्या दिखने वाला है। तो अभी आ चुके हैं प्लेन ग्राउंड में और यहाँ बहुत सारे ट्रीज हैं, ग्रीनरी बहुत सारी है, बहुत सारी बेंचेस भी हैं और काफ़ी बड़ा सा एरिया है। और आगे मुझे लगता है कि शायद कुछ फ्लावर्स हैं, तो वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या है। और ये देखो इसका है, आज काफ़ी धूप थी और अभी अभी धूप गई है, शाम हो गई है, तो टाइम हो रहा है 8:30 और अभी देखो रोशनी, अभी मतलब यहाँ सनसेट होता है ना ऑलमोस्ट 10:30, तो अभी देखो आप रोशनी। और ये है 8:30 बजे का सूरज, तो आप देख सकते हो कितना हाई रिफ्लेक्शन है कि मैं सही से कैप्चर भी नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि उधर क्या है। यहाँ से काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ पहुँचने के लिए, क्योंकि काफ़ी कलरफुल सा दिख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छे से कलर के फ्लावर्स हों, क्योंकि यहाँ यार बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। और मतलब रोड साइड ही आपको लेवेंडर के इतने सारे ट्रीज मिलेंगे कि पूरी रोड पर बढ़िया मस्त फ्रेग्रेंस आती है। तो इधर हैं ये बेंचेस और ये मैं फ्लावर्स की बात कर रही थी, जो मुझे दूर से लग रहा था फ्लावर्स हैं, एंड ये फ्लावर्स हैं। और आप कलर देखो, रेड, वाइट, येलो, बहुत सारे रोजेज हैं यहाँ, बहुत सारी वर्ड्स भी हैं। ये पूरा मतलब ऐसे एक सर्कुलर एरिया है जहाँ बहुत फ्लावर्स हैं। तो अभी हम इससे पहले जिस एरिया में थे ना, वहाँ मुझे लग रहा था कि और कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं, क्योंकि बहुत खौफनाक सा एरिया था वो। अभी यहाँ देखो रश है, पब्लिक आई हुई है, काफ़ी सारे बच्चे भी दिख रहे हैं और लोग भी दिख रहे हैं, और शेडो में आपको मैं और विशाल भी दिख रहे हैं।
और ये है इधर का प्ले एरिया। तो इधर देखो आप, काफी रश है, काफी सारे लोग हैं इधर भी। तो अभी हम जा रहे हैं किड्स प्ले एरिया के अंदर, हम भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखो इधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अभी एक छोटा सा बच्चा साइकिल लेके गया है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है, मतलब दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ भूल भुलैया। तो ये बच्चों के लिए बनाया हुआ है थोड़ा सा, ये ग्रास से इन्होंने पार्क को थोड़ा सा मतलब भूल भुलैया टाइप इसको स्ट्रक्चर दिया है। और इसके साथ ही इधर देखोगे तो आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे झूले हैं, सब आराम से चिल कर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं पॉन्ड के पास, बहुत बड़ा बहुत अच्छा सा पॉन्ड है। मुझे इसको देख के बहुत मज़ा आ रहा है, तो अभी आपको दिखाती हूँ और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। पार्क में आते ही ना मतलब इतना 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 बड़ा पॉन्ड है, मैं और भी बहुत सारे पार्क में गई और कहीं भी इतना बड़ा पॉन्ड नहीं है। मतलब यहाँ के सारे पार्क में ना आपको छोटा सा पॉन्ड मिलेगा, बट ये सच में इतना बड़ा है ना। आसपास देखो बच्चे कितना चिल कर रहे हैं। और ये देखो रात की मतलब अभी 9:15 बज रहे हैं, धूप आप अभी भी देखो, मतलब रात होने का तो अभी कुछ भी ठिकाना ही नहीं है, पता नहीं लग रहा कि रात एक्चुअल होने वाली है या नहीं। आजकल यहाँ बहुत लेट सनसेट होता है, ये अभी आराम से आपको पूरा सूरज दिखेगा। और ये ना मतलब बहुत बड़ी न्यूज़ में भी आता है, जब बहुत ठंड पड़ती है ना तो ठंड की वजह से जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो यही वो पॉइंट है जो फ्रीज हो जाता है, और तब ना यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक स्केटिंग और साइकिलिंग समथिंग लाइक। यानी कौन से कबूतर हैं, और ये थोड़ी सी और बर्ड्स भी हैं, इनका मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता, थोड़ी सी बड़ी हैं साइज़ में। और यहाँ के कबूतर भी आप देख सकते हो एकदम पॉइंट के पास हैं आराम से, और इनकी ना आप बहुत पास तक भी चले जाओगे ना ये एकदम से उड़ेंगे नहीं। एक बड़े पॉन्ड के अलावा यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है और जिसमें बहुत सारे स्वान हैं, लाइक आई एम इन लव विद देम, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। और एक दो नहीं, ये एटलीस्ट 8-10 है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इनको देख के। जो दूसरा बड़ा वाला पॉन्ड था ना उसमें सिर्फ छोटी छोटी सी बर्ड्स थी, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस पार्क में आके इतने सारे स्वान देखने वाली हूँ। स्वान जो है ना ये आराम से ऐसे स्विम करता हुआ इधर आ रहा है, बहुत आराम से चलता हुआ आ रहा है। ये अभी अकेला है, बाकी बहुत सारे ग्रुप्स में भी हैं। इधर देखो ये पीछे दो एक साथ आ रहे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। और इधर देखो एक ही आराम से मतलब ये पानी में नहीं, ये आराम से घास में है और ये घास खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो इसके पीछे एक और आ चुका है, ये सब मतलब अपने अपने टास्क में बिजी है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और अगर ये सारे ना एक साथ एक ग्रुप में हो गए ना तो सच में देखने में और सुंदर, मतलब स्वान देख के तो मज़ा आया ही आया। और ये पार्क यार इतना मस्त है ना, मतलब एक चीज़ ख़त्म होती है ना और दूसरा दिख जाता है। तो अभी मुझे बहुत सारे फ्लावर बेड दिख रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, पास से जाके देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो अभी दिखाती हूँ दूर से, देख के समझ आ रहा होगा कि कितने सारे हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी ना हम पास से भी जाके देखते हैं इनको। ये देखो ये हैं येलो फ्लावर्स, एंड इसके पीछे जाएंगे देन हियर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ येलो एंड रेड फ्लावर्स, और उसके थोड़ा सा और पीछे ये बहुत सारे मल्टी कलर फ्लावर एंड देन है रेड। तो अभी इसको फिर से अगर हम जूम इन करेंगे तो ये देखो मरून देन मल्टी कलर एंड देन मस्टर्ड एंड देन प्योरली येलो फ्लावर्स। और इन सारे फ्लावर्स के पीछे से ना एक पाथ भी आ रहा है, और इधर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बेंचेस भी हैं, तो लोग भी हैं काफ़ी। अभी हम फ्लावर बेड के बिल्कुल सेंटर में, तो अगर हम देखें तो आसपास भी बहुत सारे फ्लावर बेड हैं। ये देखो कितना प्रिटी है। और ये हैं यहाँ पे डबल शेडेड फ्लावर, ये देखो रेड एंड वाइट एंड देन आपको मिल रहा है पर्पल एंड वाइट, वाइट एंड पर्पल, लाइक सारे डबल शेड में हैं। और मुझे लगता है कि इनकी खासियत ये है ना कि जो भी डार्क कलर है उसके साथ ये वाइट कंट्रास्ट में है, तो कलर ना बहुत खिल के आ रहा है सारे के सारे फ्लावर्स का।
ये देखो सब बहुत मस्त दिख रहे हैं। इसके साथ ही ये वाला फ्लावर बेड खत्म होता है सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स के साथ। और इसके पीछे फिर और भी फ्लावर बेड है, वो भी है सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स का। और पीछे का आंटी बैठी हैं आराम से धूप ले रही हैं, तो देख रहे हो ना 8:30 बजे बंदे यहाँ धूप ले रहे हैं। और ये देखो ये पूरा जो रास्ता है ना इसे पीछे पहाड़ों से आ रहा है, जो मैं आपको लास्ट दिखा रही थी कि यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं और यहाँ बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं, तो वो सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट होके आ रहे हैं। तो यहाँ से ये पाथ है पहाड़ों से, और इधर से इस पाथ का जो एग्जिट है इधर ये रोड पर मिलता है, और इधर से हम आ जाते हैं इस फ्लावर बेड सेक्शन में। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स मैंने देखे, और मतलब वो छोटे वाले फ्लावर्स थे ना, मतलब रेड जिन पे वाइट डॉट था और पर्पल जिन पे वाइट डॉट था, मुझे वो पसंद आए। आपको कौन से पसंद आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो आज हम आए थे विक्टोरिया पार्क, और मैंने ना सच में इतना एंजॉय किया, मैं मतलब घर से भी नहीं सोच कर आई थी। मुझे बहुत सारे स्वान देखे जब मैंने पार्क में एंटर किया, तो बहुत बड़ा सा पॉन्ड था और उस पॉन्ड में ना बहुत सारी बर्ड्स थी, पर वो थोड़ी छोटे साइज की बर्ड्स थी। और मैंने गूगल रिव्यूज में देखा था कि यहाँ आपको बहुत सारे स्वान देखने मिलेंगे, तो जब मैंने एक छोटा सा पॉन्ड देखा और वहाँ बहुत सारे स्वान थे, मुझे देख के बहुत मज़ा आया। उसके साथ ही मैंने यहाँ फ्लावर बेड देखा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स थे, और मैंने देखा वो एक खुफिया सा पहाड़ों वाला रास्ता जो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब लाइक ऐसे नहीं लग रहा था कि हम पार्क आए हैं, ऐसे लग रहा था हम किसी हिल स्टेशन आए हैं। इतने सारे मतलब पहाड़ों का कटा हुआ जो रास्ता था, मुझे देख के बहुत मज़ा आया और नेचर को भी बहुत इन्जॉय किया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मुझे तो ये पार्क बहुत पसंद आया, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।